सारे प्यार भरी सत श्रीकाल नमस्ते आप की उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे चढ़ती कला बिच होंगे। दोस्तों ये रूम रूम में बड़ा खलारा पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने अपने जितने भी हमारे गंदे कपड़े थे सब धुलवा लिए। यहाँ पे वॉशिंग मशीन होती है, ड्रायर होता है, उसके पैसे लगते हैं 5 यूरो, और हमने सब अपने कपड़े वगैरह धुलवा लिए हैं। आज भी हम सामान लेने जाएंगे मार्केट में, तो आज भी आपको मार्केट का पूरा व्यू दिखाएंगे और कैसे कितने का क्या सामान मिलता है आपको भी आइडिया हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि यूरोप में किस तरीके से मार्केट वगैरह होती है। और ये देखिए, ये कुछ एक भाई है हमारे, हमारी कंपनी में आए हैं नए, अपने सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी टाइम से उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनसे हमने कुछ सामान मंगाया था अपना, जैसे पटके वगैरह, तो वो लेके आए हैं आज। ये पटका बांध के देखेंगे पहले, एक्चुअली में इनको पहले धोना पड़ता है पटकों को, लेकिन अभी हमने धोए नहीं है, अभी ठंड बहुत है और सूखने का थोड़ा टाइम का ऐसी है, तो इसको बांध के देखेंगे। अगर इसकी सेटिंग आ जाती है तो ये पटका बांध के आज हम मार्केट जाएंगे। तो उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद अगर वो वीडियो देख रहा है, जो पटका लेके आए हैं हमारे लिए, पंजाब से बिलोंग करते हैं वो। तो गाइस अब हो जाते हैं तैयार, मिलते हैं तैयार होने के बाद। भाई अभी निकले हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, पेड़ों के ऊपर देखिए कितनी बर्फ जमी हुई है, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सैलानी टूरिस्ट कहते हैं इधर ज़्यादा। भाई सीन देख लो कुछ ऐसा है इस टाइम बर्फ का, कल भी मैं इधर से गया था तो यहाँ पे स्नो कम थी, लेकिन रात में थोड़ी बहुत स्नो पड़ी है। टेम्परेचर है -7। भाई ये जो पक्षी हैं कुछ मांगते हैं खाने के लिए, क्योंकि इनको जब इधर टूरिस्ट घूमने आते हैं तो इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ सामान देते हैं। ये देखिए कितनी पास पास तक आ रहे हैं, ये कौवा है यहाँ का, ये देखिए ये कुछ ना कुछ मांगते हैं खाने के लिए। ये देखिए भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब आपको हम ट्रेन से दिखाते हैं रीगा शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, उम्मीद करते हैं आप एंजॉय करोगे। मार्केट में जा रहे हैं, हमको अभी एक मार्केट में जाना है, अभी वहाँ जा रहे हैं, पीछे इस ट्रेन से अभी उतरे हैं। नज़ारा देखिए आप, एक ट्रेन ये आ गई है, एक ट्रेन आगे खड़ी है। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों का कुछ सामान लेना है मुझे, जैसे कि सॉक्स वगैरह या ग्लव्स, ठीक है ना, खाने पीने का सामान लेना है, क्योंकि कल परसों को फिर से ट्रिप पे वापस जाना है। इधर इंडियन ग्रोसरी से जो है आटा वगैरह अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई की दुकान है और एक गुजराती भाई की दुकान है, ठीक है ना, जिसमें इंडियन सामान मिल जाता है सारा, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन ठीक है, यहाँ की लाइफ स्टाइल के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये कपड़े हैं देखिए आप, हमारा भाई तो जेटी तेन पसंद है वो ले ला। भाई यहाँ से तो कुछ पसंद नहीं आया, अभी हम जा रहे हैं रशियन मार्केट, हमें और भी बहुत सामान लेना है, एक सिलेंडर लेना है और भी लेना है, जूते लेने हैं जो मैंने भी लिए थे एक ब्लॉग में, जो सेफ्टी शूज़ होते हैं और थोड़े स्पोर्ट्स शूज़ की तरह लगते हैं वो, और
बोले ने रशियन मार्केट, सस्ती मार्केट, एक वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया और इसके आज वहीं चलते हैं। अभी हम यहाँ से बस पकड़ेंगे, इधर से बस पकड़ेंगे, वहाँ से नज़ारा देखिए आप यूरोप। ऐसे नहीं लोग यूरोप घूमने के लिए आते हैं, वो तो मस्त जगह है भाई। भाई वो सामने बस स्टेशन था, वहाँ से उतर के हम यहाँ आ गए हैं और उधर रशियन मार्केट है, होलसेल मार्केट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड हैंड सामान भी मिल जाता है, नया भी मिल जाता है बिल्कुल उचित रेट पर। ये देख सकते हो आप इधर का सीन। हमारी लाइट अभी उधर लाल होगी, ग्रीन होगी तो हम इधर से सड़क पार करेंगे, अभी तो ग्रीन है। चलो जी, बस हमने इधर से पकड़नी है 100 रुपये से। भाई बारिश पड़नी शुरू हो गई है इसलिए हम लोग जा रहे हैं रूम पर। बारिश आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से, कितनी बारिश पड़ रही है, सॉरी बर्फ पड़ रही है, बर्फ। जैसी बर्फ पड़नी शुरू हुई है ठंड लगनी शुरू हो गई है। भाई सामान तो अभी और भी बहुत कुछ लेना था लेकिन स्नो पड़ने लग गई, अब हम जा रहे हैं रूम पे और अगर स्नो जल्दी अटकी तो ये ब्लॉग आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर इसको यहीं पे एंड कर दिया जाएगा। भाई वो देखो बर्फ फेंक कंपटीशन चल रहा है वहाँ पर और ये टावर है यहाँ पर, और लोग एक दूसरे को उठा उठा कर बर्फ़ फेंक के मार रहे हैं। उधर पुलिस ही जा भी खड़ी है ताकि कुछ हो ना पाए। ओहो हो हो, बर्फ। भाई बर्फ़ पड़ते ही ना हाथ जमने शुरू हो गए। ये देखिए रीगा, रीगा बहुत ब्यूटीफुल जगह है, इसका नज़ारा देखिए आप। भाई रूम पे तो बैठा नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ग्लव्स लेने हैं क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी है, बताया था आपको, और एक दो सामान और लेने हैं। बाकी जो हमें सिलेंडर वगैरह लेना था मेरे साथ वाले ड्राइवर को, उसको दिला दिया है, सेफ्टी शूज़ दिलवा दिए हैं, ठीक है। सामान जो लेना था ले लिया, अभी बैठा तो जा ही नहीं रहा है, कीड़ा काट रहा है, तो अभी हम चल रहे हैं फिर से बाहर, ठीक है ना भाई। बाहर आ गए हैं, अब यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन। भाई एक्रोमॉल पहुँच चुके हैं, हम मॉल में पहुंच चुके हैं लेकिन हमने मतलब का कोई सामान नहीं है, बहुत महंगा सामान है यहाँ। हम न्यूयॉर्क का शोरूम है उधर आए हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा है हमें अभी, वहाँ पे कुछ सामान ब्रांडेड मिल जाता है लेकिन प्राइस उसका सही रहता है क्योंकि हमने डेली यूज़ के लिए लेने हैं, तो इतना महंगा ब्रांड लेने का कोई वो नहीं है। जब इंडिया जाएंगे तब देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, अभी तो फ़िलहाल हमें डेली यूज़ के लिए चाहिए और ढूँढ रहे हैं। भाई मॉल बहुत बड़ा है, आप भी लो मजे। भाई एक्रोमॉल मॉल आए थे, एक्रोपॉल, लेकिन भाई हमारे हिसाब का सामान नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो अभी हम और देखते हैं, अभी फिर ट्रेन में बैठेंगे जाके और बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही है, हल्की फुल्की पड़ी रही है। भाई वो रूम पर आ गए थे फिर कहीं सामान लेने गए नहीं, और यहाँ पे कुछ आसपास में मार्केट है जहाँ पे सही रेट पे जो मिल जाता है,
सही रेट क्या होता तो महंगा ही है, लेकिन यूरोप के हिसाब से सही रहता है। तो भाई थोड़ा थक गए थे घूम फिर के, ठंड भी लग रही थी, तो रूम पर आ गए, खाना वाना खाया, चाय पिए। और मुझे लगता है यार आज के ब्लॉग में इतना ही, बाकी जो भी होगा अगले ब्लॉग में बताएंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो है न्यू ट्रेलर ड्राइवर का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है ना, जो इंडिया से आया है या गल्फ से आया है, तो उसका जो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको पूरा वीडियो में वो अपने मुंह से बताएगा, उसका पूरा इंटरव्यू लेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए वीडियो का, और वीडियो को यार शेयर कर दिया करो। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में या फिर किसी ब्लॉग में, तब तक रब रखा।